Good morning, class. So today we are going to start with a new chapter, that is social issues and the environment. In this, we will see the outline of first. We will see the outline of the chapter, which includes hum kya kya padhenge isme, from unsustainable to sustainable development, urban problem related to energy, water conservation, rainwater harvesting, watershed management, resettlement and rehabilitation of people, its problem and concern, environmental ethics, climatic changes, global warming, acid rain, ozone depletion, nuclear accident, Holocaust, then wasteland reclamation, consumerism and waste products, Environmental Protection Act, air prevention and control of pollution, Act 1981 of India, water prevention and control of pollution, Act 1974, Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act, issues involved in enforcement of environmental legislation, drawback of Wildlife Protection Act 1972, public awareness. This is a very vast unit and it includes all these points. So now we will start with the very first topic, that is from unsustainable to sustainable development. In this, sustainability development is the ability to continue a defined behavior indefinitely. Sustainability development ka matlab kya hota hai ki ek particular tarah ka behavior aap continue rakhein. Matlab theek hai, jo for example jo ek defined behavior hota hai kisi bhi ek particular profession ke liye, jo ek defined behavior hota hai wo sustain karke rakhna, is term is sustainability development. Unsustainable development means unsustainable development occurs when present progress is at the expense of future generation. ठीक है, मतलब unsustainable development तब होता है जब जो अभी का progress के लिए हम आगे future को खतरे में डाल रहे हों. ठीक है, for example इसका example देखिए, irresponsible planning and environmental degradation through the exploitation of resources generated waste and pollution that damages ecosystem. Such practices are not sustainable in long term, so it is unsustainable development. जैसे कि अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा जो फ्यूचर जनरेशन क्या कर रहे हैं, वो कि इररिस्पॉन्सिबली हम एनवायरनमेंट को डील कर रहे हैं, है ना, जो बहुत वेस्ट वाटर पोल्यूट कर रहे हैं, एयर पोल्यूट कर रहे हैं, अपना इकोसिस्टम डैमेज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि फर्दर जो फ्यूचर जनरेशन होगी हमारी वो सफर करेगी उन सबसे, राइट. सो दिस इज टर्म्ड एज अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, तो हमें कहाँ से मूव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया कि आप एक तरह से बिहेव करें जो कि सही है एनवायरनमेंट के लिए भी और आगे कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जो हार्म ना करे और अभी की जनरेशन जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए डेवलपमेंट करे. ओके, नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल. तीन कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल. और जो कैरेक्टरिस्टिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो है प्रिजर्विंग द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम. बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये कॉन्सेप्ट है वो है इसलिए कि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि हम और इस तरह से यूज करें प्रोटेक्शन के साथ, इस तरह से अपने एनवायरमेंट को यूज करें कि अभी के जनरेशन जो है वो अच्छी तरह से उसको यूज कर सके, उसको उसका बेनिफिट मिले और फर्दर जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी
वो एनवायरनमेंट हेल्दी और सेफ हो, ठीक है। हम एनवायरनमेंट को सेफ करना है बेसिकली, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट है, दैट इज फर्स्ट इज सोशल, देन इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंटल। ओके, नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इज जो ओवरऑल बैलेंस है इकोसिस्टम का, उसको प्रिजर्व करना, फर्स्ट पॉइंट। रेस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारे में रेस्पेक्ट होना चाहिए। प्रिवेंटिंग द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉशन ऑफ नेचुरल मतलब एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना भी यूज नहीं करना है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज नहीं करना है। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ वाटर, सॉरी रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, जितना हो सके हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें। रेशनल प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजम्पशन, अच्छी मतलब ये रैशनल प्रोडक्शन ऑफ एंड एनर्जी कंजम्पशन, मतलब जो भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, या प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका जो कंजम्पशन और यूज है दोनों ही रैशनल होना चाहिए, उसका मतलब जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। जस्टिफाइड होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द लेस सोशल इन इकोलॉजिकल डैमेज, जितना हो सके हम सोशल डैमेज और इकोलॉजिकल डैमेज कम से कम करें। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली फायदेमंद होना चाहिए, बट ये भी साथ साथ होना चाहिए कि डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, देन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्लीनर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो क्लीनर होता है, उसमें वेस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं होता है तो, और पोल्यूशन नहीं होता है। सो दिस वॉज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, नाउ वी विल मूव टू द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या वैल्यू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। द पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड द ग्लोबल पॉपुलेशन इज इन द राइज, ठीक है। द एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द greatest reason for the importance of sustainable development. देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी के टाइम में लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो गया, जैसे पहले के टाइम पे अगर लोग 60 साल जीते थे या फिर 40 साल जीते थे, तो उसके हिसाब से अब लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ चुका है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बहुत सारे डिजीज कंडीशन जिनके बारे में पहले नहीं पता था, अब पता है, उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे लोगों को बचाया जा सकता है ना। तो अभी जो लाइफ स्पैन है लोगों का ज़्यादा है, तो अगर लाइफ स्पैन इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप इंडिया में ही कंपेयर करो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी बहुत कम थी, 60 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम, है ना, जो बहुत ही जिनका ओके, तो अभी क्या हो रहा है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है लोगों का, ठीक है। लाइफ स्पैन बढ़ना मतलब पहले जितना जितने इयर्स तक लोग सरवाइव करते थे उसके कंपेयर में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा लंबी हो गई है। पहले अगर 40 साल के
एज तक का लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, तो अभी 60-70 हो चुका है, ठीक है। तो इसका इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन भी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जो लोग न्यू जो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जिन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले या फिर एवरेज में 40 होती थी, अब 60 हो गई, तो वो पॉपुलेशन तो है ही, ठीक है। 20 ईयर्स के लिए उसका एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, उसके साथ उस 20 ईयर्स में जो नए न्यू बॉर्न्स होंगे उसका भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, अगर लोग ज्यादा हो रहे हैं तो रिसोर्सेस का यूज भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अच्छी तरह से जो भी रिसोर्सेस है उनका यूज करें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, है ना। जितना हो सके हम एट प्रेजेंट मोर पीपल रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी फॉर नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, दे रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अरे ऑफ मिनरल्स एंड अदर इनपुट्स सिंपली टू बी मैन्युफैक्चर, दिस डजंट अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर टू डेवलप देम इन द फर्स्ट प्लेस, ओके। तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस को जितना हो सके हमें बचाना चाहिए, ओके। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें डिपेंड करें, टेक्नोलॉजी में डिपेंड कर रहे हैं फॉर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग के लिए हम लोग इस पर डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी में, और उसके लिए उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए या फिर उसके बनाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है ना, इनपुट जरूरत होता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो हम उस पर हम ज्यादा फोकस करें और वो हम प्रोवाइड करें, ठीक है। एग्रीकल्चरल नेसेसिटी, एग्रीकल्चरल नेसेसिटी से ज्यादा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल नेसेसिटी इज बेसिकली कम ऑन द यू नो बेसिक ह्यूमन नीड्स में आता है। एकोमोडेट सिटी डेवलपमेंट, जो सिटी का डेवलपमेंट है उसको भी अच्छी तरह से एकोमोडेट करना जरूरी है, मतलब अच्छी तरह से जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज हो रही है उसके लिए वो अच्छी तरह से यूज करना जरूरी है, ताकि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना कर सकें। कंट्रोल क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंजेस को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। देन प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप सस्टेनेबली डेवलपमेंट कर सस्टेनेबली यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि आप पूरा बर्बाद नहीं कर रहे हो, है ना। यू आर यूजिंग दैट अमाउंट यू रिक्वायर और बाकी आप उसको सेव करके रख रहे हो। सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी को भी हमारे बचा के रखता है। नेक्स्ट इज वे टू अचीव सस्टेन, वे टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबिलिटी, हम सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रमोट डेमोक्रेसी, है ना, पीस एंड जस्टिस। डेमोक्रेसी को प्रमोट करो, पीस को प्रमोट करो और जस्टिस को प्रमोट करो, ठीक है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी, पीस होगा, जस्टिस होगा, तो और हम रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट हैं। प्रोटेक्ट रेस्पेक्ट एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स, एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, हमको बेस मीन मतलब अंडरलाइंग जो कॉज है पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट का, उसका पता लगाना जरूरी है और उस पर वर्क करना जरूरी है। Promote people's meaningful participation in all aspects of governance. Okay, stop corruption in politics at all levels. Promote a culture of addressing needs, not greed. हमें एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जहाँ पे कि हम नीड को प्रमोट करें, जरूरत के हिसाब से वर्क करें, ना कि लालच के हिसाब से, ठीक है।
जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनका जो मेन रूट कॉज है उसको एड्रेस करना और उस पर वर्क करना जरूरी है. एंश्योर एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, रिसर्च में अच्छा इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है. एंगेज लोकल पीपल इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो लोकल पीपल है ना उन लोगों को एंगेज करना जरूरी है ताकि जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज हो सके, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके. तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका उनको यूज़ करना ज़रूरी है. दिस वॉज अबाउट फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके नाउ वी विल मूव टू अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी. अर्बन में कौन कौन से प्रॉब्लम है विच इज रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम है. ठीक है, सो अर्बन एरिया, एन अर्बन एरिया इज लोकलाइज लोकेशन कैरेक्टराइज बाई हाई ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मेनी ब्यूट एनवायरमेंटल फीचर्स बिल्डिंग दैट इज इन कंपेरिजन टू एरिया सराउंडिंग इट. अर्बन एरियाज में बी सिटीज टाउन्स और कॉन्यूर्बेशन. तो अर्बन एरिया क्या होता है, आप अर्बन किसी एक एरिया को अर्बन एरिया कैसे डिफाइन कर सकते हो. अगर वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो है ना, एनवायरमेंटल फीचर्स भी बहुत ज़्यादा, बिल्ड एनवायरमेंटल फीचर्स जैसे बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत सारी हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अर्बन एरिया, आप सिटीज़ को बोल सकते हो, टाउन्स को बोल सकते हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ों जगह को आप अर्बन एरिया कह सकते हो. अब अर्बन एरिया का प्रॉब्लम ये है कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है ना, एनर्जी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है. तो और क्यों लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि जो ये अर्बन एरिया है, सिटीज़ है, टाउन है ना, यहाँ ये क्या होते हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, एजुकेशन, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. जो सिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एजुकेशन जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी अच्छे कोर्स हैं, ऑल आर अवेलेबल इन सिटीज़ ओनली. इनोवेशन, नए नए इनोवेशन होता रहता है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ऑप्शन है कि आप उन लोगों की नौकरियाँ लग सकती है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. और अभी अर्बन अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है और अर्बनाइजेशन की वजह से जो भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है वो इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि उनको एकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल सी द अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी. ठीक है, अर्बन सेटर्स यूज लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ एनर्जी. इन द पास्ट अर्बन हाउसिंग रिक्वायर रिलेटिवली small amount of energy than we use at present. Energy use in closely related to environment, to development in industry, transport, communication and commercial. जितनी भी एनर्जी यूज होता है उस पर वो मोस्टली किस चीज के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, शहरों में, सिटीज में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कमर्शियल पर्पज से यूज हो रहा है, हाउस होल्ड में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी इवन एनर्जी वेस्ट यूज हो रहा है. ठीक है, और जैसे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है अर्बन पीपल पॉपुलेशन का इज मच मच हायर देन रूरल पीपल. और ये एक ये इसलिए भी है क्योंकि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हायर. सो दिस इज बिकॉज अर्बन पीपल हैव ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ
and their lifestyle demands more energy input in every sphere of life. Renewable energy में क्या है कि ज़्यादा एनर्जी अर्बन लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें क्या होता है इनका जो लाइफस्टाइल ही है वो ऐसा है कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. द मेन यूज ऑफ एनर्जी इन अर्बन एरियाज आर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल. क्योंकि कौन कौन से एनर्जी मेनली यूज होता है, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, जिस जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी एनर्जी का यूज होगा, है ना, घरों में हर एक फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, फैन के फॉर्म में, एसी के फॉर्म में, कूलर के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी यूज होते हैं उसके फॉर्म में, एंड गैजेट्स के फॉर्म में, किचन में, वॉशरूम में, एवरीवेयर, इंडस्ट्रियल फॉर्म, एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्ट. इन सारे फॉर्म में एनर्जी का यूज होता है अर्बन एरियाज में. ओके. रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी. द टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ऑप्टिमल यूजेज शैल बी द आइडिया मोड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. प्रॉब्लम इन एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में. लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पीपल. एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पीपल में लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों के बीच में एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों का एटीट्यूड ही नहीं है कि वो सेव करना चाहते. दे आर लाइक इफ वी आर पेइंग व्हाई विल नॉट वी यूज, है ना, अगर हम पे कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे, ऐसा एटीट्यूड है लोगों का. लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, बहुत सारे लोगों में टेक्निकल नॉलेज की कमी होने की वजह से भी वो एनर्जी सेव नहीं कर पाते हैं. मार्केट डिस्टॉर्शन, मार्केट में डिस्टॉर्शन है उसकी वजह से भी. कैपिटल शॉर्टेज, ठीक है, पैसे की कमी है तो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, जो अवेलेबिलिटी है वही यूज़ करोगे, जो आपके बजट में आ रहा है वही यूज़ करोगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन रिलेटेड टू एनर्जी. सो फॉर टूडे वी हैव कम्प्लीटेड टू टॉपिक्स, दैट इज फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड इज अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को.